जो हमारा शिमला मटौर, आपका कीरतपुर नेरचौक और मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो 4 लेन का चल रहा है, उसके लिए गति प्रदान करने की बात करी। आपके जिला ऊना में बीड़ू से लठियानी को जोड़ने के लिए गोविंद सागर झील पर 900 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से एक पुल का निर्माण जो है करने की उन्होंने बात करी है, जैसे उन्होंने पहले भी किया था और आज उसको फिर से गति देने की बात करी है। और नालागढ़ से स्वारघाट के विस्तारीकरण पर 600 करोड़ रुपए और काला अंब पौंटा साहब देहरादून 4 लेन के विस्तारीकरण पर 1200 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय मार्ग 503 अंब से ऊना और पंजाब सीमा से नदौन तक राष्ट्रीय राजमार्ग 03 के 4 लेन विस्तारीकरण, जिसपे 1500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, उसको जो है गति प्रदान करने की बात करी। उसके साथ साथ हमारा जो शिमला शहर है, यहाँ पर भी आप जानते हैं कि 2 4 लेनिंग जो है वो शिमला शहर को जोड़ने जा रहे हैं। एक आपका जो शिमला आपका परवानू से लेकर सोलन और सोलन से आगे जो है आपका ढली तक 4 लेनिंग है, और दूसरी आपकी जो शिमला से लेकर मटौर 4 लेनिंग है, उसके बारे में भी शिमला शहर से कैसे वो ट्रांसग्रेस करेगी और उसका जंक्शंस कहाँ कहाँ पे उसके निर्माण किए जाएंगे। पहले ये घोड़ा चौकी में होना जंक्शन इसका होना तय हुआ था, अब उसको शिफ्ट करके जो है सीधे आपका बाहर से कैटली घाट से एक बाइफरकेशन जो है वो मेरी निर्वाचन क्षेत्र का जो एयरपोर्ट का इलाका है वहाँ से होते वो सीधे मटौर जो आपका 4 लेनिंग है उसमें जुड़ जाएगा, जिससे चाहे आपकी जो ऊपर से ट्रैफिक आ रही है उनको भी शिमला में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जो नीचे से आपकी ट्रैफिक ऊपर के लिए जा रही है शिमला के ऊपर के इलाकों के लिए, उनको भी शिमला के अंदर एंटर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें कुछ कुछ बॉटलनेक्स थे जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश जो है वो NHAI के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने अपनी जो उसमें सोच थी उसके उसके मार्फत भी बदलाव करने का प्रयास किया है। तो मोटा मोटा इन जो हमारे 4 लेनिंग वाले नेशनल हाईवेज़ है जो NHAI द्वारा हो रहे हैं उसके ऊपर बात हुई, और उसके साथ साथ जो नेशनल हाईवेज़ जो हमारे PWD डिपार्टमेंट द्वारा जिसके ऊपर कार्य हो रहा है, कईयों के उसमें एक्सपेंशन होना है, कईयों का उसमें रख रखाव की बात है, उसकी भी डिटेल्ड जो है वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी ने ली है और आने वाले समय में उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्य शुरू हो। उसमें बजटरी प्रोविजन जो है वो मॉर्थ के माध्यम से, यानी जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ के माध्यम से जो है वो मंत्रालय के माध्यम से करवाया जाएगा, तो उसकी भी उन्होंने रूपरेखा तैयार करी है। बाकी आने वाले समय में उन्होंने हमें भी निर्देश दिए हैं कि मैं जल्द जो है जहाँ जहाँ पर भी ये नेशनल हाईवे का और 4 लेनिंग का काम चला हुआ है, जहाँ पर कोई समस्या आ रही है वहाँ पर हम मौके पे जाकर भी इलाके का निरीक्षण करेंगे, जो भी उसमें ऑन ग्राउंड समस्या आ रही है उसके बारे में जल्द से जल्द उसको उसको कंप्लीट करने के लिए पूरी तरीके से डिपार्टमेंट जो है वो प्रयास करेगा। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।